हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ प्रीपोजिशन। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन में से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अग्निवीर जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है अभी, तो इसमें प्रीपोजिशन में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो प्रीपोजिशन के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि माय फादर्स बर्थडे इज 5th जून, 8 ऑन इन बाय। आज की इस वीडियो में हम 8 ऑन इन के बारे में चर्चा करेंगे। आई विल बी देयर 5 PM, द शो स्टार्ट्स 7 PM, द पार्टी इज May 5th। आपके एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये क्वेश्चन करके देखिए, अभी आप पहले निशान लगा लीजिए, फिर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि 10 क्वेश्चन में से आपके 5 गलत हो गए, है ना, या 6 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि आई ग्रेजुएटेड 2011, वी विल कम विंटर, इट वॉज डार्क द मॉर्निंग, द शो स्टार्ट्स मिडनाइट, आई ईट डिनर द इवनिंग। तो ये सारे क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपके किसका, ये है आपके वैन के बारे में है। वैन का मतलब होता है कब, कब मतलब टाइम। और टाइम में यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें लगाते हैं जनरली। सबसे पहली जो चीज़ लगती है वो लगती है, तो जो पहली प्रीपोजिशन जो लगती है वो लगती है एट, और दूसरी जो प्रीपोजिशन लगती है वो लगती है ऑन, और जो तीसरी प्रीपोजिशन लगती है वो लगती है इन। तो यहाँ पर यूज़ होता है एट का, ऑन का, इन का। अब देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि ये जो एट होता है इसको हम यूज़ करते हैं क्लॉक टाइम में। आज जिस जो इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आपके ये समझिए कि 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम जैसे कि बात करें 5 o'clock, तो अगर किसी भी सेंटेंस में 5 o'clock, 7 o'clock या ऐसा कुछ आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन एट। ये जो हम एट ऑन इन की बात कर रहे हैं ये वैन के केस में कर रहे हैं। वैन का मतलब क्या होता है, कब, कब मतलब टाइम। तो सामने वाला बताएगा आपको, जैसे मैंने पूछा कि यार कब आओगे, आपने वो एक गाना सुना होगा, कब आएगा मेरे बंजारे, सुना होगा ना। तो अब मान लो जो है इसमें बात हो रही है टाइम की, कि भैया मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा, तो उसमें एट लगेगा, है ना। उन्होंने कह दिया कि भैया हम तो है ना मंडे को आ जाएंगे, तो वहाँ पे अलग प्रीपोजिशन लगेगी। तो अगर क्लॉक टाइम की बात हो तो एट लगेगा, और अगर डे और डेट की बात हो, किसकी बात हो, डे या फिर डेट, तो ऐसे केस में क्या लगता है, ऑन लगता है। डे की बात करें तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास आ जाता है मंडे, या आ जाता है ट्यूसडे, या वेनसडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आ जाता है, तो आपको ऑन लगाना है। अगर आपके पास तारीख आ जाए 12th of January, 12 जनवरी, है ना, 16 जनवरी, तो ऐसी कोई डेट आ जाती है तो भी आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। इसके बाद बात करेंगे इन की, तो इन कहाँ लगता है, इन लगता है अगर कोई मंथ होता है, या फिर कोई ईयर होता है, या फिर कोई सीजन होता है। इन तीनों के साथ आप इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास आ जाता है क्या, आपके पास आ जाता है मार्च, ऐसा मार्च लिखा हुआ आ जाता है स्पष्ट, तो वहाँ पे आप इन लगाएंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाता है 2011, तो आप इन लगाएंगे। और अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाता है सीज़न, जैसे कि विंटर, तो भी आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो इन कहाँ लगता है, जैसे कि मार्च, 2011, विंटर, इन सब के केस में इन का यूज़ होता है। ऑन कहाँ लगता है, जहाँ डे या फिर डेट की बात होती है वहाँ ऑन लगता है। और एट कहाँ लगता है, जहाँ पे क्लॉक टाइम 5 o'clock, 7 o'clock की बात होती है, तो वहाँ पे एट लगता है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से आप ये टेबल बना लेना। यहाँ पे लिखना आप एट, यहाँ पे लिखना आप ऑन, यहाँ पे लिखना आप इन, ठीक है। एट को आप यूज़ करेंगे सीटी, क्लॉक टाइम के साथ, ये आप करेंगे डीडी, डे और डेट के साथ, और ये आप करेंगे MYS, मंथ, ईयर और सीजन के साथ, ठीक है। मंथ कितने होते हैं आपके, जैसे टोटल आपके जो मंथ होते हैं, है ना, जनवरी, फरवरी, जो भी होते हैं, तो 12। इसके बाद ईयर कितने होते हैं, ईयर तो अनलिमिटेड होते हैं। सीजन, सीजन कितने होते हैं बताइए, मौसम, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस के मौसम 4, और 5वां मौसम अभी अपने काम करनी है, ठीक है, अभी पहले जॉब।
बोलो समझ गए। तो क्लॉक टाइम के साथ में आपको एट लगाना है, अगर कोई डे और डेट आ जाए तो ऑन लगाना है, मंथ ईयर और सीजन आ जाए तो आपको इन लगाना है। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, माय फादर्स बर्थडे इज 5th जून। 5th जून क्या आ गया भैया? बोले 5th जून आ गया आपका डे। अच्छा डे आ गया तो डी डी में मुझे पता है ऑन लगाते हैं, डे हो चाहे डेट हो, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑन 5th जून। अगला प्रश्न है, आई विल बी देयर 5 PM। आई विल बी देयर 5 PM, तो 5 PM के साथ में हम क्या लगा देंगे, 5 PM क्या है, क्लॉक टाइम है, और क्लॉक टाइम के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आप क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। बोलो समझ गए। अगला क्वेश्चन है, द शो स्टार्ट्स 7 PM। 7 PM वापस से आपके पास क्या आ जाता है, क्लॉक टाइम आ जाता है, तो क्लॉक टाइम के साथ आप क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 5th मई। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे सर मई आ गया तो मंथ आ गया, लेकिन देखिए ये मंथ नहीं आया है, ये तारीख की बात हो रही है। तारीख को ऐसे भी लिखा जाता है 5th मई, या कई बार तारीख को आपने देखा हो तो ऐसे भी लिखा जाता है मई 5th। जैसे आपके मोबाइल में दोनों ऑप्शन होंगे, है ना, मई 5th वाला भी ऑप्शन पूछता होगा, 5th मई वाला भी पूछता होगा, लेकिन आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, आप 5th मई वाला सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि बात हो रही है डेट की, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, आई ग्रेजुएटेड 2011। तो यहाँ पे बात हो रही है 2011 की, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे इन 2011, क्योंकि जैसा कि आपको पता है MYS मतलब मंथ ईयर और सीजन जो होते हैं, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, इनके साथ हम इन लगाते हैं। ठीक है, वी विल कम विंटर, देखिए यहाँ पे बात हो रही है विंटर की, विंटर क्या है, विंटर है सीजन, तो MYS सीजन, सीजन में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो इसका जवाब आपका इन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज डार्क द मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इन सब के अलावा अगर आपके पास आ जाता है कभी द मॉर्निंग, या कभी आ जाता है आपके पास में द आफ्टरनून, या आपके पास आ जाता है कभी द इवनिंग, या आपके पास आ जाता है द नाइट, तो इन चारों ही के केस में आपको इन लगाना है। लेकिन अगर नाइट आ जाए या मिडनाइट आ जाए, तो इन दोनों के केस में आपको याद रखना है कि 8 लगाना है। ये दोनों थोड़े से अलग हैं, नाइट या मिडनाइट आ जाए तो 8, और द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट आ जाए तो आपको इन लगाना है। ये देखिए क्या आ गया, मिडनाइट, तो मिडनाइट में आप क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए द इवनिंग आ गया, तो द इवनिंग, आई एट डिनर इन द इवनिंग, आई ईट डिनर इन द इवनिंग। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, बेसिक से आप एक महीने में अपनी पूरी इंग्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरा कंप्लीट बैच चलता है अनअकैडमी पर, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी है, तो उस टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF जो है इंपॉर्टेंट वो मिल जाएगी। और इसी टाइप की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी जो वीडियो है और लाइव क्लास भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।